ही कम ऐसे फोन होते हैं कि यार अनबॉक्सिंग करने के बाद जब फोन को हाथ में लेते हैं ना तो मुंह से वाव निकलता है, लगता है यार क्या फोन बनाया है कंपनी ने। और मेरे हिसाब से इस बार जो मेरे हाथ पे फोन है ना, ये भी वाव फैक्टर के लिए है, क्योंकि यार यहां पर आपको जो चीजें मिलती है वो इस फोन को खास बना देती है। और ये है वीवो का V20। यदि आप इस फोन को लेना चाहते हैं ना, मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना चाहिए। मैंने यार इस फोन की अनबॉक्सिंग कर ली थी पहले और उसके बाद फोन को यूज कर रहा हूं। बहुत ही अच्छे वाले फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं, सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और बस आपसे यही कहूंगा, इस वीडियो में आखिरी तक बने जरूर रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि यार आपको वीवो का V20 क्यों लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ। मैंने एक टेलीग्राम पेज बनाया है, पर डे जितनी डील्स आती है ना सबको यार अपने टेलीग्राम पेज में शेयर करता हूँ विद लिंक। यदि आपको पता करना है ना कहाँ पर कितना डिस्काउंट चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट में आपको कितना अच्छा वाला ऑफर दिख रहा है, तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को पक्का फॉलो कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको अपडेट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला और सबसे कमाल का जो फीचर मुझे लगा है ना, वो है इस फोन का डिजाइन। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ग्रेडिएंट फिनिश देखने को मिल जाता है, और मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर ग्लास बॉडी आपको मिलती है, कोई भी पॉलीकार्बोनेट का यूज नहीं हुआ है। मतलब यार यदि आपको अच्छी डिजाइन वाला फोन लेना है, ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो थिकनेस मिलती है वो तो बहुत ही अच्छी है, ये है 7.38 mm। मतलब यार थिकनेस के मामले में, डिजाइन के मामले में आपको वीवो का V20 निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। अब जो अगला फीचर है ना वो है डिस्प्ले। फोन में यार डिस्प्ले जितनी अच्छी होती है ना उतना अच्छा लगता है, क्योंकि यार हर एक काम तो डिस्प्ले में होता है। हमें वीडियो देखना है, हमें काम करना है, डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर आपको 6.44 इंच की फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यार ये है एमोलेड डिस्प्ले। मतलब डिस्प्ले के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और भैया मैं इतना कह सकता हूं, यदि आपको छोटा वाला फोन पसंद है ना तो फोन काफी कॉम्पैक्ट है, क्योंकि फोन की जो डिस्प्ले है ना ये है 6.44 इंच। यदि आपको यार हल्का वाला फोन लेना है ना तो मेरे हिसाब से आप इस फोन में जा सकते हैं, क्योंकि अगला जो फीचर है ना वो है वेट। इस फोन का जो वेट है ना ये है केवल 171 ग्राम। मतलब फोन का जो वेट है ये भी काफी कम है, फोन का जो डिजाइन है ये भी काफी अच्छा है, आपको पीछे की तरफ ग्लास मिल जाता है। इसके बाद जो अगला फीचर है ना वो है डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन। यहाँ पर आप दो 4G वाले सिम कार्ड भी लगा सकते हैं, और साथ में यदि आपके पास मेमोरी कार्ड है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि यार आज की डेट में बहुत सारे लोगों को अपने फोन में बहुत सारी चीजें सेव करनी होती है, मतलब आपको स्टोरेज की टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ना वो है प्रोसेसर, और हमें अच्छा वाला प्रोसेसर चाहिए होता है, क्योंकि यार हमें हैवी वाले गेम खेलना है, बहुत सारे काम करना है। तो यार यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है ये है स्नैप का 720G। ये जो प्रोसेसर है ना ये बहुत ही अच्छा वाला प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन के 730G को भी अच्छी वाली टक्कर देता है, बहुत ही अच्छा वाला स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से यदि आपको पावरफुल फोन लेना है, बहुत ही अच्छा वाला प्रोसेसर लेना है, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करनी है, तो यार ये फोन आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि फोन का जो प्रोसेसर है ये भी बहुत पावरफुल है। प्रोसेसर के साथ साथ जो अगला पॉइंट है ना ये भी बहुत खास है, वो है यहाँ पर रैम। यहाँ पर जो मिनिमम आपको रैम मिल जाती है ना वो है 8GB। स्टोरेज भले आपको 128GB मिलता है, 256GB मिलता है, लेकिन मिनिमम स्टोरेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला पॉइंट है ना ये इंडियन को बहुत ज्यादा जचता है, बहुत सारी कंपनी इसे हटा रही है, और ये बहुत ही छोटा हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये है FM रेडियो। यदि आपको FM रेडियो चाहिए तो यार यहां पर आपको FM रेडियो भी देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ, और ये है सॉफ्टवेयर, क्योंकि यार हमें दिन और रात सॉफ्टवेयर के साथ ही काटना है। आपको यार यहाँ पर जो UI मिलता है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं, और खास बात ये है ये जो बेस्ड है ना ये है Android 11 में। मतलब यार Android 10 का जमाना चला गया है, अब आपको लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छी वाली कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आपको UI मिलता है ये भी आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ पर जो आपको लाउड स्पीकर मिलता है ना उसकी जो साउंड आउटपुट है ये भी डिसेंट है, बहुत ही अच्छा है, ना ज्यादा लाउड है ना बहुत ज्यादा कम है, लाउड स्पीकर भी आपको निराश नहीं करेगा। और यार यहाँ पर जब मैंने म्यूजिक सुना 3.5 mm ऑडियो जैक से वो भी मुझे काफी अच्छा लगा है।
अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे हिसाब से DRM इन्फो भी आज की डेट में बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि यार Amazon Prime है, Netflix है, तरह तरह की OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यार यहां पर आपको वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब आप HD वाले वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है गेमिंग मोड। बहुत सारे लोग हैवी वाले गेम अपने फोन में खेलते हैं, बहुत सारी चीजें कस्टमाइज करते हैं, तो यार मेरे हिसाब से यदि आपको गेमिंग मोड चाहिए, यहां पर आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। अब जिन लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए, तो यार यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है, और यार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही जल्दी फोन को अनलॉक कर देता है। अब इसके बाद जो पॉइंट है ना, वो इस फोन का सबसे खास फीचर है, वो है 44 मेगापिक्सल का कैमरा, वो भी सेल्फी वाला। और इस कैमरे में जो सबसे अच्छी बात है वो है आई ऑटो फोकस। अब आप यही सोचेंगे कि यार ये क्या होता है, यार ये जो फोकस है ना, इसे भटकने नहीं देता है, सारा का सारा काम हमारी आंखें करती है। और इसे इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, और सेटिंग में आपको मिल जाता है मोशन ऑटो फोकस, यहीं से आप इनेबल कर सकते हैं। मतलब आपका जो वीडियो होगा, आपकी जो फोटो होगी, ये बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। और यार इसका जो सेल्फी कैमरा है ये तो बहुत ही धांसू है, मैं आपको थोड़ी सी फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए 44 मेगापिक्सल की जो आपको फोटो देखने को मिल रही है, ये काफी अच्छी है, और मेरे हिसाब से 44 मेगापिक्सल का सेल्फी इस फोन को और भी अच्छा बना देता है। अगला जो पॉइंट है ये है 4K सेल्फी वीडियो का, मतलब आप सेल्फी कैमरे से 4K वाले भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास 720p का भी ऑप्शन है, 1080p का भी ऑप्शन है, और साथ में 4K का भी ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद जो अगला फीचर है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये है डुअल व्यू वीडियो, मतलब जो सेल्फी कैमरा होगा, जो रियर कैमरा होगा, एक साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी फोटो है, आपकी सेल्फी है, सब काम आप सेम टाइम में कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है। अगला जो फीचर है ना, ये भी आपको काफी जचेगा। आपने सुना होगा आपको स्लो मोशन वीडियो बहुत सारे फोनों में देखने को मिल जाता है, लेकिन आप सेल्फी कैमरे से भी स्लो मोशन वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मतलब आप रियर कैमरे से भी रिकॉर्ड करें, सेल्फी कैमरे से भी रिकॉर्ड करें, टाइम लैप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, बहुत ही अच्छे वाले फीचर आपको कैमरे में देखने को मिल जाते हैं। अब जो अगला फीचर है ये है मल्टी स्टाइल पोर्ट्रेट। आप यदि पोर्ट्रेट की सेटिंग में जाएंगे ना, बहुत सारे आपको कस्टमाइज करने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। यहां पर आपको जो रियर कैमरा मिलता है ना, ये है 64 मेगापिक्सल का, मतलब सेल्फी कैमरा 44 मेगापिक्सल का, रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल का। अब मैं आपको थोड़ी सी फोटो दिखा देता हूं। फोटो में यार जो डिटेल है इसकी कमी नहीं है, जो कलर है ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं, और कहीं आपको थोड़ी सी एडिटिंग आती है ना, तो आप इन फोटो को और भी अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि यार बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल हैं। अब जो अगला फीचर है ना, ये भी बहुत अच्छा है, ये है नाइट मोड। दिन में चाहे जितनी अच्छी फोटो आ जाए, रात में फोटो अच्छी आए तो हम माने, यहां पर नाइट की जो फोटो है ये भी आपको अच्छी मिल जाती है, जो कलर है ये भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से जब सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा धीरे धीरे करके, तो इस फोन का जो कैमरा है ना, ये और भी ज्यादा निखर के आ जाएगा। यहां पर आपको सुपर वाइड एंगल और साथ में माइक्रो भी देखने को मिल जाता है। मैं आपको थोड़े से शॉट्स दिखा देता हूं। शॉट्स देखने के बाद आप यही कहेंगे इस फोन का जो कैमरा है वही इस फोन की जान है। यहां पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सेल्फी कैमरा में तो मिलता है, लेकिन रियर कैमरे में भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है। और साथ में अल्ट्रा स्टेबल मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब आपका जो वीडियो होगा ना, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, अब आप ये खुद देख लीजिए कि यार इस वीडियो में कितने अच्छे वाले कलर हैं, और साथ में यार कितनी अच्छी वाली आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं, यार जो पोर्ट्रेट सेल्फी है ना, यहां पर क्या हम बोके मोड को आगे पीछे कर सकते हैं? यस, आप इस फोन में बोके मोड को आगे पीछे कर सकते हैं, अपने हिसाब से पोर्ट्रेट बना सकते हैं, आप जितना भी ब्लर करना चाहें उतना ब्लर कर सकते हैं, यह भी आपको काफी जचने वाला है। इसके बाद एक जो फीचर है ना, ये आपको वीवो के फोन में मिलता है, और ये है परमिशन डिनाई करने का। बहुत सारे फोन आज की डेट में इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन यदि आपको परमिशन नहीं देनी है आई मैनेजर में, क्योंकि यार हमारा जो डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए, आप हर एक चीज को डिनाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से यार जो डेटा है ना वो हमारे तक सीमित रहे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा।
अब डार्क मोड यदि आपको चाहिए, यहां पर आपको डार्क मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। और आज की डेट में सारी की सारी एप्लीकेशन डार्क मोड सपोर्ट भी करती हैं। यदि आपको डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन चाहिए तो यार यहां पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आपको थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी जो आंख है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहे फोन चलाएं, चाहे लैपटॉप चलाएं, या दुनिया की कोई भी चीज चलाएं, जब तक ये आंख है ना तब तक रंगीन है। और यदि एक बार आपकी आंख में प्रॉब्लम हो गई ना तो बड़ा बुरा हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप अपनी आंख की सुरक्षा जरूर करिए। यहां पर आपको आई प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अब जो अगला फीचर है ये भी फोन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ये है बैटरी। यहां पर आपको 4000 एमएच की बैटरी मिल जाती है, उसके साथ साथ 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। आधे घंटे में ये फोन ना वही 65% के आसपास चार्ज हो जाता है। और जब से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं ना, आराम से यार एक दिन आपके कहीं नहीं गए हैं। और भाई यहां पर आपको नेविक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यार जो 720G है ना ये नेविक को सपोर्ट करता है। और जिन लोगों को वाईफाई कॉलिंग का फीचर चाहिए वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और जिन लोगों को गूगल लेंस चाहिए तो यार यहां पर आपको गूगल लेंस भी देखने को मिलता है। मतलब इस फोन में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो इस फोन को बहुत अच्छा बना देते हैं। यदि आपका बजट आपको अलाउ करे तो आप इस फोन को ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट में सेल चल रही है, आपको अच्छा वाला डिस्काउंट मिल जाए तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। अब सेल चाहे फ्लिपकार्ट में चले, चाहे अमेजोन में चले, या किसी और कोने में चले, बस हमारे पैसे बचने चाहिए। और जितना फोन अच्छा हो और जितना फोन सही प्राइस में पड़ जाए उतना अच्छा लगता है। क्या आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत, ये आप जरूर बताइएगा। और यदि आपके दिमाग में अभी भी वीवो के V20 को लेकर कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं ना, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जाते जाते यही कहूंगा, खुश रहिए, बिंदास रहिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और साथ में हरदम हंसते रहिए। और मेरा जो चैनल है ना, यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ट्विटर पेज में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे अपडेट मैं वहां पर देता रहता हूं। चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।